हेलो एवरीवन आई एम तृप्ति वेलकम टू एनपीसी द चैनल वेर यू कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डील एक छोटा सा टॉपिक दैट इज द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और वी कैन से आज हम टॉर्क की कहानी को स्टडी करेंगे एक छोटा सा वीडियो होने वाला है ओके सो स्टे यून फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड और वी कैन से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑफ इक्वी डिस्टेंट एंड पैरल टू इच अदर ओके मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है फील्ड लाइंस जो हैं वो इक्वी डिस्टेंस पर होनी चाहिए और पैरल होनी चाहिए एक दूसरे के अब हमने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा है ओके एंड दिस डायपोल एज वी नो अबाउट द डायपोल डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेट एट अ फाइनल डिस्टेंस ओके सो माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर द चार्जेस ऑफ द डायपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज टूएल ओके इस डायपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है सो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्जेस पर फोर्स क्रिएट होगा सो so, फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी प्लस क्यू चार्ज पर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज प्लस क्यू ई ओके फोर्स का फॉर्मूला हमने स्टडी किया है इलेक्ट्रिक uh, फील्ड के थ्रू इज इक्वल टू एफ बाई क्यू हमने यहाँ स्टडी किया था सो फोर्स इज इक्व टू क्यू नोट ई यहां से ही ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है एंड माइनस क्यू के लिए अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट ओके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट होगा सो फोर्स इज ऑन द माइनस क्यू चार्ज इज माइनस क्यू ई ओके ये बात क्लियर है नाउ दिस फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू इच अदर ओके दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा जीरो हमेशा अगर किसी भी डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा ओके okay, तो नेट फोर्स हमारे पास जीरो नेट फोर्स जीरो का मतलब ये हुआ कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब यह होता है कि न तो बॉडी आगे जा सकती है न पीछे जा सकती है ओके okay, न ऊपर जा सकती है न नीचे जा सकती है बॉडी को आप आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी शिफ्ट नहीं कर सकते ओके okay, बॉडी क्या है इक्विलिब्रियम में है किस कंडीशन में जब फोर्स की वैल्यू जीरो हो फोर्स की वैल्यू हमेशा जीरो होगी ऑन द डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओके ये टू पॉइंट्स क्लियर है नाउ थिंग अबाउट ये टू फोर्सेस जो हैं इनकी लाइन सेम नहीं है ओके टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन ये प्लस क्यू के लिए फोर्स की डायरेक्शन या फोर्स जो लाइन है वो इस लाइन पर है एंड माइनस क्यू के लिए वो इस लाइन पर है फोर्स force. तो फोर्सेस जो हैं वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं है इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर टोर्क प्रोड्यूस होगा और टॉर्क हमने स्टडी किया है क्लास इलेवंथ में जब भी अगर आप टॉर्क की, की बात करें तो वहाँ रोटेशनल मोशन होता है मींस ये डाइपोल जो है वो रोटेट करेगा अब क्या करेगा रोटेट करेगा ऑन द एक्सेस एक्सेस कहाँ है डाइपोल का एट द सेंटर ओके मतलब सेंटर के अराउंड ये क्या होगा रोटेट होगा अब रोटेशनल मोशन यहाँ स्टार्ट हो गया तो रोटेशनल मोशन किस तरह से किस डायरेक्शन में होगा फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में टोर्क की डायरेक्शन होगी और उसी डायरेक्शन में ये जो डायपोल है वो मूव करेगा ओके okay. डायरेक्शन की बात हम बाद में करते हैं पहले हम इसका डेरिवेशन देखते हैं ओके okay. देखिए टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ यहाँ क्या होगी ये होगी क्या पॉइंट ओ से प्लस क्यू का डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी अब अग, अगर आप जैसे अगर आपने ये डाइपोल ले लिया ये आपका एक डाइपोल है और इसका ये जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है मतलब ये इस एक्सिस पर इस तरह से ये मूव करेगा रोटेट करेगा ओके अब जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो क्या होगा इस डाइपोल का परपेंडिकुलर लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ हमेशा हॉरिजॉन्टल से आप मेजर करेंगे ओके okay. सो so, परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगा ये वाला न कि ये ओके okay. तो आपको क्या करना होगा इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैं उससे कुछ एंगल देना होगा ओके मीन्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड से डायपोल थीटा एंगल पर रखा हुआ है देन थीटा के जो टू कंपोनेंट्स होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा दैट इज कॉस कंपोनेंट एल कॉस थीटा ओके एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा एल साइन थीटा ओके okay, बिकॉज हम यहाँ एल के थ्रू लेंथ के थ्रू ही बात कर रहे हैं हमको परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए सो so, हमने लेंथ को डिवाइड कर दिया टू कंपोनेंट्स में परपेंडिकुलर एंड होरिजोनटल कंपोनेंट में क्योंकि ये लेंथ थीटा एंगल पर है बट हमें चाहिए था परपेंडिकुलर डिस्टेंस सो एल साइन थीटा दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर दिस पॉजिटिव चार्ज ओके ये भी बात है कि टॉर्क दोनों से निकलेगा टॉर्क की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव चार्ज के थ्रू भी निकलेगी एंड नेगेटिव चार्ज के थ्रू भी निकलेगी तो नेट टॉर्क ओके नेट टॉर्क क्या होगा टाउ इज इक्वल्स टू टाउ वन एंड टाउ टू मींस टॉर्क वन जो है फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड टॉर्क टू फॉर नेगेटिव चार्ज सो टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स फोर्स क्या हुआ फर्स्ट के लिए फोर्स प्लस प्लस और माइनस की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे है. अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला जनरेट करना है क्यू ई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ एल साइन थीटा ओके एंड फॉर टॉर्क टू ये क्या हुआ ये भी डिस्टेंस सेम अगर यहाँ इस तरह से अगर आप एंगल क्रिएट करेंगे तो ये साइन एल साइन थीटा होगा क्योंकि ये जो एंगल है थीटा तब ये भी एंगल थीटा होगा तो यहाँ सेम वैल्यू होगी क्यू ई इंटू एल साइन थीटा दोनों वैल्यूज़ क्या है सेम है तो दोनों वैल्यूज एडअप हो जाएंगी सो टू क्यू एल इंटू ई साइन ओके एंड इससे आप टू एल, तुक्यू एल, तुक्यू एल, तुक्यू एल, तुक्यू एल इंटू क्यू लिख सकते हैं एंड ई साइन थीटा अब देखिए टू एल टू एल इंटू क्यू ये क्या हुआ यह पूरा टर्म पी हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने स्टडी किया है पी एंड देन ई साइन थीटा सो पी ई साइन थीटा आपके पास नेट टॉर्क की वैल्यू आई पी पी इज द डाइपोल मोमेंट एंड ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट तो सेम है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी कॉन्स्टेंट है सो टॉर्क जो है वो डिपेंड करेगा थीटा पर ओके थीटा क्या है यहाँ थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट पी एंड ई ओके मीन्स ये डायपोल मोमेंट और ई के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा टॉर्क की वैल्यू थीटा के साथ वेरी करेगी क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट टर्म है अब अगर आप इस तरह से टॉर्क को लिख सकते हैं पी क्रॉस ई क्योंकि हमने वेक्टर प्रोडक्ट में स्टडी किया है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में अगर आप ए डॉट बी करें सो ए बी साइन थी, सॉरी ए बी कॉस होता है बट क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा साइन थीटा सो ए बी साइन टीटा तो आप इसे साइन टीटा को इस टर्म में हम हाँ लिख सकते हैं सो तो क्रॉस कर दिया ई क्रॉस पी लिखें तो भी वो वैल्यू सही होगी या नहीं होगी तो देखिए यह डायरेक्शन का खेल है डायरेक्शंस पहले आप देखते हैं पहले हम डायरेक्शन्स पे बात करते हैं डायरेक्शन पी पी मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन ये होगी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स पे डिपेंड करेगी और फोर्स जो है वो जनरेट होगा इन दिस डायरेक्शन मतलब टॉर्क सॉरी यहां पर रोटेशनल मोशन है इसलिए फोर्स के बजाय टॉर्क कहना ज्यादा बेटर होगा सो so, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी इन दिस डायरेक्शन क्लॉकवाइज और दोनों की डायरेक्शन सेम है पी की डायरेक्शन भी सेम है ई e की डायरेक्शन भी सेम है तो ही ये पॉसिबल है आपको पी क्रॉस ई करना अगर आपने E क्रॉस P किया है तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है या फोर्स स्टोर की, की डायरेक्शन आप ऊपर हो जाएगी जो कि ऑपोजिट होगी ओके तो ये अगर आप E क्रॉस P लिखते हैं तो भी सही है बट यहाँ पे आपको माइनस लगाना होगा क्योंकि डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगी अब हम कुछ कैसेस देखते हैं जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क को मैक्सिमम वैल्यू कब ला सकते हैं एंड मिनिमम वैल्यू को कब फाइंड आउट कर सकते हैं ओके okay, सो so हमने टॉर्क की वैल्यू स्टडी किया था टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। अब आपके पास टॉर्क कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा ये टू कंडीशंस हम लोग देखते हैं सो फर्स्ट कंडीशन मैक्सिमम की लेते हैं मैक्सिमम कब होगा जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी प्लस वन और वी कैन से माइनस वन ओके जब प्लस वन और माइनस वन साइन थीटा हो जाए देन आपके पास मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा तो ये कब वैरी करेगा जब थीटा की वैल्यू नाइन्टी डिग्री होगी या फिर टू सेवेंटी डिग्री होगी ओके okay. देखिए इस तरह से डायग्राम होगा आपका मैक्सिमम का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो जाएंगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इसके बीच में हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया दैट इज द प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज माइनस क्यू चार्ज और ये क्या है एक दूसरे से परपेंडिकुलर क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू नाइनटी डिग्री है ओके टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन ठीटा साइन ठीटा को आप 90 डिग्री बुट करेंगे और 90 डिग्री साइन 90 क्या होता है वन सो पी ई टोटल जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पी पी -E ई होगी ओके okay? और 90 डिग्री एंगल पर जब आप थीटा की वैल्यू को 270 सेवनटी बुट करेंगे ओके टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन टू अगर पुट करेंगे तो ये माइनस वन हो जाएगा सो माइनस पीई ओके okay, तो ये हुए मैक्सिमम की कंडीशन मैक्सिमम कंडीशन में टॉर्क इस तरह से परपेंडिकुलर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में ओके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नाउ मिनिमम की कंडीशन हम देखते हैं सो मिनिमम कंडीशन कब होगी जब जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी ओके तभी मिनिमम कंडीशन होगी थीटा जब जीरो होगा अब जीरो कब होगा जब हम थीटा की वैल्यू को जीरो डिग्री लेंगे और वन एटी डिग्री लेंगे तभी साइन टीटा की वैल्यू जीरो होगी ओके तो इससे आप किस तरह से डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं दिज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओके ये पैरल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनानी है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आपने एक डायपोल रखा है दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज अब ये जो डाइपोल है ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन ऑफ एक्शन में हो ओके तब आपका टॉर्क होगा मिनिमम टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू जीरो पुट करें साइन जीरो जीरो होता है तो टॉर्क मिनिमम होगा टॉर्क मिनिमम होगा या फिर जीरो होगा मतलब कि बॉडी रोटेट नहीं होगी तो इस कंडीशन में फोर्स भी जीरो होगा टॉर्क भी जीरो हो गया तो न तो बॉडी आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कर सकती है और न ही रोटेट कर सकती है तो इससे आप बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम ओके okay, इस कंडीशन को आप बोलते हैं स्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है बॉडी ओके ओके इस टॉपिक में आपको यहीं तक पढ़ना है अब हम नेक्स्ट वीडियो में गाउस थियरम पढ़ेंगे गाउस थियरम की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे ओके okay, एंड uh, वो तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स सो स्टेट विद एन पी थैंक यू सो मच फॉर लव एंड Support, thank you so much.